सिरसा शहर की बाटा कॉलोनी में एडिशनल बाटा कॉलोनी में पिछले 6 माह से सीवेज व्यवस्था खराब होने के रोष स्वरूप स्थानीय कॉलोनी वासियों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी ने सीवर के बदबूदार एवं मलयुक्त पानी में बैठकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि बाटा कॉलोनी व एडिशनल बाटा कॉलोनी सहित कई आसपास के क्षेत्र में पिछले कई महीनों से सीवरेज की सफाई न होने के कारण सीवर का पानी घरों के बाहर खड़ा रहता है, जिसके चलते तरह तरह की बीमारियां पनप रही हैं। स्थानीय लोगों द्वारा जिला उपायुक्त सीएम विंडो व जन स्वास्थ्य विभाग के आगे इस समस्या का हल निकालने के लिए कथित तौर पर अनेक बार गुहार लगाई गई, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते यहाँ लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि अगर इस समस्या का शीघ्र कोई स्थायी हल नहीं निकला तो आम आदमी पार्टी बाटा कॉलोनी के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सीवरेज का गंदा पानी बाल्टियों में भरकर सिरसा के विधायक गोपाल कांडा व उपायुक्त सिरसा को भेंट करेंगे। ये प्रेमनगर का क्षेत्र है और ये वार्ड नंबर 2 बाटा कॉलोनी का क्षेत्र है और जहाँ हम खड़े हैं वहाँ दूर दूर तक सीवर का बदबूदार पानी खड़ा है और यहाँ के लोगों ने बार बार सीएम विंडो पर दी है, उपायुक्त महोदय को शिकायतें दी हैं, परंतु ना तो सीवरेज की सफाई हो रही है ना ये गंदा पानी निकाला जा रहा है और यहाँ के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं और आज हम प्रशासन के संज्ञान में ला रहे हैं इस मामले को। अगर इस क्षेत्र की सफाई, सीवरों की सफाई नहीं करवाई गई तो इस गंदे पानी की बाल्टियां भरकर हम उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त महोदय को भेंट करने जाएंगे। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद।